छोले के साथ हम भटूरा, पूरी, कुलचा या तंदूरी रोटी सर्व करते ही है, लेकिन आज मैं आपके लिए एक अलग ही कॉम्बो रेसिपी लेके आई हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पूनम, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे हलवाई स्टाइल छोले और प्लेन वेजिटेबल पुलाव। ये बहुत ही टेस्टी बनता है, आप इसे एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो रेसिपी की शुरुआत करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो बनाना शुरू करते हैं हलवाई स्टाइल छोले और प्लेन वेजिटेबल पुलाव। 250 ml कप का माप से एक कप छोले लिया है, इसे मैंने दो बार अच्छे से पानी से धो लिया था और 1/4 teaspoon कुकिंग सोडा डाल के पानी में इसे ओवरनाइट भिगो के रखा था। अभी हम ये कुकिंग सोडा वाला पानी जो है वो निकाल लेते हैं और इसे और दो बार पानी से धो लेते हैं ताकि ये कुकिंग सोडा वाला पानी जो है वो निकल जाएगा। छोले को कुकर में डाल देंगे। खड़ा मसाला में मैंने लिया है 3 लौंग, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 1 बड़ी इलायची और 2 छोटी इलायची ली है। इसे हम दरदरा कूट लेते हैं। एक साफ कपड़ा लिया है, इसके ऊपर 1 teaspoon चाय की पत्ती रखेंगे। खड़ा मसाला हमने एकदम रफली कूटा है, ये ऊपर रख देंगे और इसकी पोटली बना लेते हैं। इसे मैंने धागे से बांध के एकदम टाइट पोटली बना ली है। पोटली हमने बनाई है, ये कुकर में डाल देंगे। 1 तेज पत्ता, 2 कप पानी डाल देंगे और 1 कप डालेंगे। टोटल मैंने 3 कप पानी डाला है। 1 teaspoon नमक, 1/4 teaspoon हल्दी पाउडर, 1 teaspoon तेल डालेंगे। कुकर का ढक्कन बंद करके मीडियम फ्लेम पे इसे 5 से 6 सीटी तक कुक कर लेते हैं। 2 मीडियम साइज का प्याज लिया है, 6 लहसुन की कली और 1 बड़ा टुकड़ा अदरक का है। इसके हम मिक्सर जार पे डाल के पेस्ट बना लेते हैं। 2 बड़ी साइज का टमाटर लिया है, इसके हम मिक्सर जार में डाल के प्यूरी बना लेते हैं। छोले को मैंने 5 सीटी तक कुक किया है, ये ठंडा हो गया है तो कुकर खोल के देख लेते हैं। छोले अच्छे से कुक हो गया है, इस तरह से हाथ से दबाइए तो ये मैश होना चाहिए। आप देख सकते हैं छोले एकदम अच्छे से कुक भी हो गया है और ये मैश भी नहीं हुआ है, तो इस तरह का हमें इसे कुक करना है। हमने जो पोटली डाली थी इसे निकाल लेंगे और तेज पत्ता भी निकाल लेते हैं। एक बाउल में मसाला मिक्स कर लेते हैं। 1 teaspoon कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 teaspoon धनिया पाउडर, 1/4 teaspoon काली मिर्च पाउडर, 1/2 teaspoon भुना जीरा पाउडर, 1/2 teaspoon छोले मसाला, 1/4 cup पानी डाल के मिक्स कर लेते हैं। कढ़ाई में 2 से 3 tablespoon सरसों का तेल डालेंगे। 1 पिंच नमक डाल के इसे एकदम तेज धुआं निकले तब तक इसे गरम कर लेते हैं। तेल को मैंने एकदम अच्छे से गरम करके थोड़ा सा ठंडा किया है। एकदम गरम तेल में जीरा डालेंगे तो जीरा जल जाएगा। 1 teaspoon जीरा डाल देंगे। जीरा लाइट ब्राउन हो गया है। प्याज, अदरक, लहसुन की पेस्ट बनाई है, ये डाल देंगे। मीडियम फ्लेम पे प्याज की पेस्ट को लगातार चला के भून लेते हैं। ढक्कन लगा के इसे 5 से 6 मिनट कुक कर लेते हैं और बीच में इसे 1 से 2 बार चला लेंगे। पेस्ट को गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक इसे भून लिया है। मसाला हमने मिक्स किया था, ये डाल देंगे। एक टेबलस्पून पानी मैंने बाउल में ले लिया है, ये डाल देंगे ताकि मसाला सारा आ जाए। ढक्कन लगा के धीमी आंच पे कुक करेंगे, तेल सेपरेट हो जाएगा तब तक। मसाले को 3 से 4 मिनट धीमी आंच पे कुक किया है, तेल भी सेपरेट हो गया है। 1 पिंच हल्दी पाउडर, 1 मिनट मीडियम फ्लेम पे इसे कुक कर लेते हैं। टमाटर की प्यूरी बनाई है, ये डाल देंगे। 1 कप जितनी टमाटर की प्यूरी है। ढक्कन लगा के टमाटर की प्यूरी को कुक कर लेते हैं मीडियम फ्लेम पे। तेल सेपरेट हो जाए तब तक मैंने इसे कुक किया है। 1 कप एकदम तेज गरम पानी डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ढक्कन लगा के धीमी आंच पे इसे तेल सेपरेट हो जाए, ऊपर तेल की तरी आ जाए तब तक हमें इसे कुक करना है।
ढक्कन लगा के 4 से 5 मिनट ग्रेवी को कुक किया है। आप देख सकते हैं ऊपर तेल की तरी भी आ गई है। 1 टीस्पून कसूरी मेथी का पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून नमक, नमक हमने छोले बॉईल किया था तभी भी डाला था तो अभी संभल के डालना है। मिक्स कर देते हैं। छोले हमने बॉईल किया था ये पानी के साथ में ही डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। एक बॉईल आ जाए तब तक हम इसे कुक कर लेते हैं। छोले बॉईल होने लगा है, गैस ऑफ कर देंगे। छोले में हम और एक तड़का करेंगे, 1 टेबलस्पून बटर कुकर में डाल देंगे। बटर मेल्ट हो गया है, 3 साबुत हरी मिर्च डालेंगे, 1/2 टीस्पून हींग, 8 से 10 अदरक की स्लाइस करके ली है, अदरक जुलियन। मिर्ची और अदरक को भून लेते हैं। 1 मिनट धीमी आंच पे इसे भून लिया है। 1/4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। छोले डाल देंगे। आधी टीस्पून आमचूर पाउडर डालेंगे। मिक्स कर लेते हैं। इस टाइम पे आप टेस्ट करके देख लीजिए, अगर नमक आपको कम लगे तो अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं। कुकर का ढक्कन बंद करके 2 से 3 सीटी तक मीडियम फ्लेम पे कुक कर लेते हैं ताकि मसाला जो है वो छोले में अच्छे से मिक्स हो जाए। इसे मैंने 3 सीटी तक कुक किया है और कुकर भी ठंडा हो गया है। खोल के देख लेते हैं, छोले एकदम अच्छे से कुक हो गया है। 2 से 3 टेबलस्पून हरा धनिया डाल देंगे। हलवा स्टाइल छोले रेडी है। इसके साथ में सर्व करने के लिए प्लेन वेजिटेबल पुलाव बनाएंगे। पुलाव के लिए मैंने स्टीम राइस बना के रख दिया है। अगर आपकी इसकी रेसिपी चाहिए कि स्टीम राइस किस तरह से बनाना है तो मैंने कई सारी वीडियो में स्टीम राइस किस तरह से बनाना है वो बताया है, तो आप उसमें देख सकते हैं। कढ़ाई में 1 टेबलस्पून देसी घी डालेंगे, 1 टेबलस्पून तेल। तेल और घी गर्म हो रहा है तभी हमें इसमें खड़ा मसाला डालना है। 1 तेज पत्ता, 4 लौंग, 2 छोटी इलायची, इसे मैंने ऊपर से खोल दिया है, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 5 से 6 काली मिर्च। खड़ा मसाला लो टू मीडियम फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं ताकि घी और तेल में इसका अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाए। खड़ा मसाला 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है धीमी आंच पे। 1 टीस्पून जीरा, जीरा को एकदम लाइट ब्राउन भूनना है। 2 टेबलस्पून काजू का पीस लिया है, 1 टेबलस्पून किशमिश। काजू और किशमिश डालना ऑप्शनल है, आपको नहीं डालना है तो स्किप कर सकते हैं। इसे थोड़ा सा भून लेते हैं लाइट ब्राउन होने तक। किशमिश अच्छे से फूल गई है। 3 टेबलस्पून बारीक चॉप ग्रीन बीन्स ली है, फ्रेंच बीन्स। धीमी आंच पे इसे 2 मिनट के लिए कुक कर लेते हैं। क्योंकि हमने बीन्स कच्ची ही ली है तो 2 मिनट के लिए इसे भून लेते हैं तो ये कुक हो जाएगी। 3 टेबलस्पून बारीक चॉप गाजर, गाजर को भी धीमी आंच पे 2 मिनट के लिए भून लेते हैं। 3 टेबलस्पून बारीक चॉप हरा कैप्सिकम, 3 टेबलस्पून बारीक चॉप पीला कैप्सिकम। ये ऑप्शनल है, आपको नहीं डालना है तो इसे स्किप कर सकते हैं। मेरे पास था तो मैंने इसे डाल दिया। शिमला मिर्ची को 1 मिनट के लिए भून लेते हैं। स्टीम राइस मैंने नमक डाल के कुक किया है तो इसमें 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे। सिर्फ वेजिटेबल के माप का नमक डालना है। 1 कप बासमती चावल को 1/2 घंटा भिगो के मेरे स्टीम राइस बनाया है, ये स्टीम राइस डाल देंगे। 250 ml कप का माप से 1 कप बासमती चावल 150 ग्राम होता है। हल्के हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स कर दिया है। आप देख सकते हैं पुलाव कितना सुंदर दिख रहा है। इसे 1 मिनट के लिए धीमी आंच पे कुक करेंगे। वेजिटेबल पुलाव रेडी है, गैस ऑफ कर देते हैं। इसे छोले के साथ सर्व करेंगे।
छोले और प्लेन वेजिटेबल पुलाव रेडी है। इसे मैंने लच्छा प्याज और नींबू की साइज के साथ सर्व किया है। ये बहुत ही टेस्टी बना है, आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। तो मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ।